दहेज के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है? लड़का नहीं, उसके गार्जियन होते हैं, माँ बाप। लड़का का हम पहले पछ लेते हैं, लड़के के माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं कि वो मांग करते हैं दहेज की। इसके पीछे इनके मन बढ़ाने का रीजन कौन है? वधू पक्ष, लड़की वाले। अगर हमको बताइए आप कि अगर कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक, तो वो लड़का ये डिमांड नहीं करेगा कि हमको भी नौकरी वाली चाहे, ठीक ठाक अच्छा खासा लड़की देख लेगा, अच्छा खासा तिलक मिला कर लेगा। अगर एक लड़की है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, तो क्या बेरोजगार लड़का शादी करेगी? नहीं करती है, नहीं करेगी। आप लोग कभी दहा लीजिएगा, अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है ना, बेरोजगार लड़का शादी कर ही नहीं सकती है। कोई भी काम ना करता हो वो कर ले, नहीं करेगी। या तो मैक्सिमम कंडीशन देखेगा, वो अपने विभाग में ही शादी कर लेती है लड़की, उस प्रकार की है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं दहेज के लिए। दहेज के लिए देखा दोनों पक्ष जिम्मेदार है। दहेज एक तरफ से नहीं, दोनों पक्ष से हुआ है। दहेज का जो इतना बड़ा आजकल एरिया बढ़ गया है ना, दोनों पक्ष से हुआ है। माता पिता क्या कर, शुरुआत में जो दहेज देने की प्रथा थी, सीता माता को उनके पिताजी भी कुछ दिए थे, ऐसे नहीं दिए थे कि दहेज के लिए, एक तरह से उपहार के रूप में दिए थे। वही उपहार धीरे धीरे दहेज में हो गया। लोग राजा महाराज थे, हाथी घोड़ा क्या क्या सोना चैन दिए थे उपहार के रूप में, आज वही फिर धीरे धीरे सबके घर में उस प्रकार से उपहार आने लगा। एक तरह से वर पक्ष लालच हो गया, उनके घर में उतना उपहार आला, हमारे घर में कुछ नहीं आला। अब धीरे धीरे उसको देख कर अगला वाला करिए, हम वो लड़की को इतना दिए हैं, इस लड़की को भी हम उतना देंगे, नहीं तो हमारे बेचते नहीं। तो वही लड़कियाँ कही कि वो लड़की का आप उतना दिए, हमको कम दिए हैं। धीरे धीरे वह उपहार ना दहेज के रूप में बदल गया, और आज क्या हो गया, मांगने वाला हो गया। हम क्या इतना देब तो हो ही नहीं, तो नहीं ऐसा होता है। तो दहेज एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्ष से बढ़ावा हुआ है।